अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सी एस एस पी एम एस टाइम्स ऑनलाइन कोचिंग। टुडे 2023 सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स वी हैव सेवंथ टॉपिक। इन दिस क्वेश्चन क्रिटिकली डिस्कस द कंसेप्चुअलाइज्ड एनर्जीज इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स एंड इट्स डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस। सो इस क्वेश्चन में हमारा जो की पॉइंट है वो कंसेप्चुलाइज्ड एनर्जीज इन्फ्लुएंस ऑन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स पे कैसे इन्फ्लुएंस करती है एनर्जी का कॉन्सेप्ट। और सेकंड जो की पॉइंट है डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस। ये हमारा की पॉइंट है जिससे हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। कम टू द सॉल्यूशन, एनर्जी जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को शेप करने में एज प्रोफाउंड इम्पैक्ट्स ऑन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है जो नेशंस के दरमियान होती हैं। द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं, ऑयल, नेचुरल गैस और कोल, हैज़ वाइटल इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा वाइटल इम्पैक्ट पड़ता है कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ पर, स्टेबिलिटी पर और पॉलिटिकल पावर पर, जो सारा इन्फ्लुएंस डालती है ग्लोबल स्टेज पे। अब जो है हम कॉन्सेप्ट करते हैं इसका क्लियर। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी गवर्नेंस रिफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज। जो एनर्जी की गवर्नेंस होती है वो फ्रेमवर्क होता है किस चीज़ का, लॉज का, पॉलिसीज़ का, इंस्टीट्यूशंस का, जो रेगुलेट करती हैं प्रोडक्शंस को, डिस्ट्रीब्यूशन को, कंजप्शन को एनर्जी की। ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस जो होती है वो डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, वो डिस्टिंक्ट होती है, अलग होती है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। कैसे, लार्जली शेप्ड बाय, क्योंकि वो जो होती है इंटरनेशनली रिलेशनशिप को शेप देती है रादर देन बाय डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक पॉलिसीज होती हैं उसके अलावा और रेगुलेशंस। अब जो हमारी सेकंड की पॉइंट है, जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ती है, हमारी फर्स्ट वाली ही पॉइंट थी। अब ऊपर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कंसेप्चुलाइजेशन। द जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो एनर्जी का ऐसे नज़र आता है जैसे एक्शंस ऑफ मेजर एनर्जी प्रोडक्शन कंट्रीज सच एज, जैसे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो प्रोडक्शन करती हैं एनर्जी की, रशिया, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। दीज कंट्रीज़ हैव यूज्ड देयर कंट्रोल ओवर एनर्जी। इन कंट्रीज़ का जो कंट्रोल है वो एनर्जी पर, एनर्जी रिसोर्सेज पे है एज मीन्स ऑफ एग्जर्टिंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इनकी एग्जर्ट करें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को और एडवांसिंग देयर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, रशिया हैज़ यूज्ड इट्स नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स एज अ टूल फॉर एग्जर्टिंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर यूरोप। जो रशिया के पास सोर्स है नेचुरल गैस का वो यूरोप के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, वाइल सऊदी अरेबिया जो है वो ऑयल एक्सपोर्ट्स है तो उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो मिडिल ईस्ट में अफेक्ट करते हैं और बाहर भी। द ग्लोबलाइजेशन, अब सेकंड की पॉइंट की तरफ जो हम चलते हैं, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ एनर्जी मार्केट्स हैज़ ऑल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी गवर्नेंस सच एज क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी। जैसे कि ये ग्लोबलाइजेशन बढ़ती है किस चीज़ में बढ़ती है, क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशंस में क्रिएशन होती है इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशंस की। और जैसे ओपेक हो गया और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हो गई और इसके अलावा जो है वो रीजनल एनर्जी इनिशिएटिव्स हो गया और सच एज द यूरोप यूनियन एनर्जी मार्केट भी इसमें आ गया। हाउएवर despite the efforts of these organization initiative the globe, अब हम efforts और इनकी तरफ चलते हैं organization की तरफ। the global energy governance system remains fragmented and ineffective in addressing many of the challenges facing the energy sector।
ये जो भी गवर्नेंस सिस्टम होता है वो इनफेक्टिव है। कैसे? बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं एनर्जी सेक्टर में। अब हम इंक्लूड करते हैं जैसे कैसे होते हैं ये, द नीड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, इनको क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, मतलब वो क्लाइमेट चेंज को बढ़ाते हैं, प्रोमोट एनर्जी एक्सेस बढ़ती है इनसे, सिक्योरिटी एंड इंश्योर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो क्लाइमेट चेंज को ख़त्म करने में आते हैं एड्रेस करते हैं सॉरी और प्रोमोट एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी, एनर्जी एक्सेस को प्रोमोट करते हैं और सिक्योरिटी को प्रोमोट करते हैं एंड इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स को सस्टेन करते हैं। एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन कंक्लूजन, एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल, एनर्जी जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है शेपिंग करने में किस चीज़ को, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स को, एंड हैज़ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, वो इम्पैक्ट जो पड़ते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स पे पड़ते हैं बिटवीन नेशंस के दरमियान जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स होते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस सीक्स टू रेगुलेट द प्रोडक्शन, जो कंसेप्ट है ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस का वो क्या करना है, रेगुलेट करना है प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, कंजप्शन ऑफ एनर्जी को। बट द करंट सिस्टम, जो का भी हमारा करंट सिस्टम चल रहा है, रिमेंस फ्रेगमेंटेड, वो फ्रेगमेंटेड है और इनफेक्टिव है एड्रेसिंग करने में, और मैनी ऑफ द चैलेंजेस फेसिंग द एनर्जी सेक्टर, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं एनर्जी सेक्टर्स को। दैट्स ऑल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।